दिवाली। तो दिवाली हम बेसिकली लाइट के फेस्टिवल को कहते हैं। इस दिन बहुत सारे हिस्टोरिक और एपिक चीज़ें हुई थी, तो इस सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। दिवाली इज़ द सीज़न टू सेलिब्रेट विद जॉय एंड चेयर। जॉय और चेयर मतलब हंसी और खुशी। तो दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसे हम बहुत ही हंसी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। It was a day when King Rama destroyed the evil forces and reached home to a rousing welcome by his subject. Destroy मतलब तबाह करना। तो दिवाली के दिन क्या हुआ था, जब लॉर्ड रामा जो हमारे गॉड रामा थे, उन्होंने रावण की पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय किया था, ईविल फोर्स को डिस्ट्रॉय किया था, और वह सीता जी के साथ अपने घर वापस जा रहे थे। और जब वो वापस आए तो उनके जो सब्जेक्ट्स थे, उनके जो लोग थे, उन्होंने उनका वेलकम बड़ी धूमधाम से किया था, और उसी दिन को हम दिवाली के नाम से जानते हैं। दिवाली हैज़ लॉन्ग बीन एसोसिएटेड विद बर्स्टिंग क्रैकर्स विच इज़ नॉट इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ फेस्टिवल। एसोसिएटेड मतलब जुड़ा हुआ। तो हमेशा से हम दिवाली में क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं, बट वो ट्रू स्पिरिट नहीं होता है फेस्टिवल का। फेस्टिवल का ट्रू स्पिरिट यही कि आप खुशी मनाएं। द मेन मोटिव ऑफ द फेस्टिवल इज़ टू स्प्रेड हैप्पीनेस विद योर लव्ड वन। और इस फेस्टिवल का मेन मोटिव है कि आप हैप्पीनेस स्प्रेड करें, हंसी खुशी खुशियाँ बांटें अपने लव वंस के साथ। फेस्टिवल्स हैव बीन मेड टू रीफोर्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, एंड दिवाली इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। तो फेस्टिवल बनता ही इसीलिए ताकि आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सके, उनके साथ अपने बॉन्ड्स और मजबूत कर सके। तो दिवाली उन फेस्टिवल्स में से एक है जब आप अपने रिश्ते अच्छे तरीके से सुधार सकते हैं और मजबूत बना सकते हैं अपने चाहने वालों के साथ। Everyone goes home for Diwali and celebrates it with their families. तो दिवाली में हर कोई अपने घर जाता है और अपने फैमिली के साथ ही दिवाली सेलिब्रेट की जाती है। ये एक ऐसा फेस्टिवल है कि आप जहाँ भी हो, बट फेस्टिवल से पहले लोग अपने अपने घरों में पहुँच जाते हैं। It is a national holiday, so everyone enjoys the festival without worrying about work. तो ये एक ऐसा हॉलीडे है जो एक नेशनल हॉलीडे दिया जाता है, कैलेंडर हॉलीडे दिया जाता है। तो किसी को भी काम की कोई चिंता नहीं होती, और काम की चिंता छोड़कर लोग आराम से अपने चाहनों वालों के साथ ये फेस्टिवल मनाते हैं। It gets more exciting at night because lots of sky lanterns are released into the air that flies high and light up the night sky. और ये रात और भी ज़्यादा exciting हो जाती है because इस दिन बहुत सारे sky lanterns को जलाया जाता है और आसमान में छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से आसमान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा लगता है। दिवाली टीचेस अस टू बी पेशेंट फॉर गुड थिंग्स इन लाइफ। तो दिवाली हमें ये सिखाती है कि हमें आराम से और धैर्य से रहना चाहिए अपनी लाइफ में, तभी हमें अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। चिल्ड्रन कीप वेटिंग फॉर मैनी डेज टू इन्जॉय द बाइट ऑफ देयर फेवरेट स्वीट। तो बच्चे बहुत ही बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इस दिन अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके के मिठाई आती हैं, जिनका लाभ और जिनकी मज़े बच्चे बड़े अच्छे से लेते हैं। द हाउसेज आर थोरली क्लीन टू क्लीन देम ऑफ डर्ट। तो सारे घरों में अच्छे से सफाई होती है ताकि जितनी भी गंदगी है घर की वो बाहर निकाल दी जाए। Cleanliness is very important as it would determine your wellness and health. तो cleanliness बहुत ही ज़्यादा important है, because यही determine करेगी कि आपकी health कैसी रहती है। It has been a part of Hindu culture for a very long time and fosters the moral lesson of good people always win over bad ones. तो ये एक moral culture है हिंदूज का, और इसका moral यही है कि हमेशा अच्छाई की बुराई पे जीत होगी, हमेशा सच्चाई और अच्छाई ही जीतेगी। तो दिवाली का मेन मकसद ये है, ना कि पटाखे चलाना। दिवाली का मेन मकसद ये होता है कि आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने बच्चों को ये सीख दें कि हमें हमेशा अच्छा और सच्चा रहना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही जीत होती है।
अगर आप बुरे बनोगे और आप अगर बुरे रहोगे तो एट द एंड आपको हार ही मिलेगी, आप फेल ही होगे, और अच्छाई जितनी भी छोटी क्यों ना हो उसे हमेशा जीत मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया। इस वीडियो के जैसे आपको हमारे चैनल पे रोज़ पैराग्राफ राइटिंग्स की अलग अलग स्पेसिमेंट्स की अलग अलग ट्रेंडिंग टॉपिक्स की वीडियोस मिलती रहेंगे। आपको हमारे बोर्ड पे NIS बोर्ड से रिलेटेड टॉप टू बॉटम सारी जानकारी मिल जाएगी कि एडमिशन कैसे लेना है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, एडमिशन की पेमेंट कितनी लगेगी, एग्ज़ाम्स कब और कैसे होंगे, एग्ज़ाम्स की तैयारी आप कैसे करें, इसकी भी पूरी जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। आप हमारे चैनल के हेल्प से NIS बोर्ड की पूरी एग्ज़ाम की तैयारी बड़े आराम से कर सकते हैं। आपको बस करना ये है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।